It's my birthday! Ta-da! गाइस सो आज है मेरा बर्थडे एंड आई एम सो एक्साइटेड. सो मैं स्कूल गई थी एंड मैंने अपने फ्रेंड्स को चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की, टीचर्स को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किए. उन लोगों ने मुझे बहुत सारे टेस्टी ईटेबल्स दिए एंड बहुत सारे फ्रेंड्स ने डीआईवाई बना के भी दिया. सो आज मैं स्कूल में तो बहुत ही ज़्यादा मजा आई एंड केक कटिंग भी हुई थी, तो आई वॉज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट दैट. सो अभी मैं स्कूल से आई हूँ एंड मेरी पार्टी 6:30 PM पे स्टार्ट होगी. सो थोड़ी सी प्रिपरेशन उसकी है एंड या गाइस मैंने रिटर्न गिफ्ट भी आ गया है अमेजोन से. चलो अच्छा बात है, आज ही आया है मेरे बर्थडे के दिन. सो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि हम रिटर्न गिफ्ट में क्या दे रहे हैं. पहले मैं आप लोगों को रिटर्न गिफ्ट दिखाती हूँ. रिटर्न गिफ्ट आ गया है, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट मिनी यूनिकॉर्न डायरीज का सेट है. इसमें पैक ऑफ 12 है. सो चलो अब हम इसे खोल के मैं आपको दिखाती हूँ. वूहू, सो दिस इज ईच ऑफ द डिज़ाइन वी गॉट इन दिस सेट एंड सारी बहुत ज़्यादा क्यूट है एंड माई पर्सनल फेवरेट इज दिस वन. दिस इज सो एडोरेबल. गाइज मैं बताना भूल गई थी बट ये दो डायरीज मैंने अपने लिए भी ली हैं. सो मैं आपको इनका एक क्लोजअप व्यू दिखा लेती हूँ. सो आर एंड दीज द क्यूटेस्ट डिजाइंस एवर. आई लव यूनिकॉर्न्स. वो क्या वेदर दिखाया था, प्लेजेंट सा, अच्छा सा. अभी देखो क्या वेदर हो गया, इतनी ज़्यादा धूप हो गई है. एंड देखिए मेरे को प्रिंसिपल सर से भी कार्ड मिला एंड इतना प्यारा सा डी आई वाई मेरी फ्रेंड शांची ने मेरे लिए बनाया. गाइज दिस इज हाउ माई बर्थडे लुक विल लुक लाइक. सो ये मेरी वाइन कलर की एक ड्रेस है एंड गाइज व्हेन आई ऑर्डर्ड दिस ड्रेस एंड आई फर्स्ट गॉट इट आई वॉज इन लव विद दिस ड्रेस. दिस इज सो प्रिटी एंड मैं ये बर्थडे गर्ल वाला सैश पहनूंगी एंड ये एक पेंडेंट पहनूंगी. जैसा कि आप जानते हो कि ये मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट में मिला था. सो मैं ये पहन रही हूँ एंड ये एक क्राउन लगाऊंगी क्योंकि ये मैं अपने हर एक बर्थडे में लगाती हूँ एंड मैं ये पॉपेट पर्स भी पहनूंगी. सो या सो गाइज अब बारी थी डेकोरेशन की. अब मम्मा ने ये इतना ज़्यादा प्यारा सा लूप बनाया है बलून से और इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है. हम लोग बलून फुलाते फुलाते ऑलमोस्ट डेड थे. सो गाइज ये है मेरा बर्थडे लुक एंड कमेंट डाउन बिलो आपको मेरा बर्थडे लुक कैसा लगा. ये आउटफिट पहन के मुझे एकदम हीरोइन वाली फीलिंग आ रही थी, तो जब तक लोग नहीं आए मैंने थोड़ा सा स्टाइल मार के रैंप वॉक कर ली. मैंने टाइम दिया था सबको कि 6:30 तक आ जाना बट लिटरली अभी 7 बज रहे हैं और अभी कोई नहीं आया है. सो गाइज फाइनली गेस्ट आना शुरू हो गए थे एंड मेरे इस बर्थडे की ये बात स्पेशल थी कि वैसे तो सिर्फ मेरे वो वाले क्लासमेट्स आते थे जो कि हमारे घर के पास रहते थे बट इस बार बहुत दूर दूर से भी मेरे क्लासमेट्स आए थे. लाइक मेरी फ्रेंड नूरशिदा एंड अलवीना को आने में 2 hours लगे बट आई वॉज सो हैप्पी वेन दे रीच्ड. सो गाइज आपके बर्थडे में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और आपकी बर्थडे डेट क्या है और आपने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया मुझे वो भी बताना. मेरा तो फेवरेट पार्ट गिफ्ट्स खोलना है. सो फाइनली आफ्टर वेटिंग अ लॉट मेरा केक आ गया है एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, एकदम क्लासिक सा केक है. सो यहाँ पे मम्मी मेरी आरती उतार रही थी क्योंकि मेरे हर एक बर्थडे में, एक्चुअली सिर्फ मेरे बर्थडे में नहीं, मेरे हर एक सिबलिंग एंड मेरे बर्थडे में हमारी आरती हमेशा उतारी जाती है एंड मैं अपने केक को निहार रही थी. मुझे इतना सुंदर लग रहा था अपना केक एंड बस हम लोग वेट कर रहे थे कि सारे लोग आ जाएँ फिर हम अपनी केक कटिंग स्टार्ट करते हैं. गाइस आपका फेवरेट केक का फ्लेवर कौन सा है, मेरा तो चॉकलेट है एंड ये वाला केक भी चॉकलेट फ्लेवर ही था. स्टार्ट करूँ एंड ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, चलो अपनी केक कटिंग को स्टार्ट कर देते हैं. बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सांडी, हैप्पी बर्थडे सो गाइस.
गाइस केक कटिंग के बाद जैसा कि एज यूजुअल हम सबको केक खिलाते हैं तो हम लोग भी वहीं कर रहे थे एंड केक कितना टेस्टी था कि सबको खिलाने से ज़्यादा मैं खुद ही खा ले रही थी। सो गाइस मेरे बर्थडे पे एक बात तो बहुत अच्छी हुई कि बंगाल में इस समय लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है एंड मेरे बर्थडे के दिन लाइक बहुत तेज़ बारिश हुई थी सुबह सुबह तो वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ना ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो ना ज़्यादा ठंड लग रही थी, बहुत प्लेजेंट क्लाइमेट था। सो गाइस केक कटिंग के बाद मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ खेले कुछ गेम्स, हमने एक्चुअली काफ़ी सारे गेम्स खेले थे, हमने खेला था हु कैन पॉप द पॉपेट्स फर्स्ट एंड ट्रुथ एंड डेयर एंड हमने वो भी खेला था पासिंग द पार्सल एंड और भी बहुत सारे गेम्स खेले थे। उसके बाद मम्मा और पापा ने डिनर सर्व कर दिया था एंड डिनर में था छोला भटूरा, चाउमीन एंड राइस एंड कुछ स्वीट्स थी एंड फाइनली मैंने अपने फ्रेंड्स को रिटर्न गिफ्ट बांट दिया एंड गेस व्हाट, दे ऑल लाइक्ड इट सो मच। सो गाइस लास्ट तक भी हम फ्रेंड्स बात करते रहे, हमने बहुत सारी मस्ती की एंड पूरे व्लॉग में मैं अपनी सारी मस्ती नहीं दिखा पाई बट जितना हो सका मैंने उतना दिखा दिया। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माय बर्थडे सो स्पेशल। पहले तो मुझे सिर्फ मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली विश करते थे बट इस बार मुझे मेरे सब्सक्राइबर यानी कि मेरी 8 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली ने भी विश किया। सो थैंक यू सो मच, आई वॉज सो हैप्पी रीडिंग योर कमेंट्स एंड मैंने सबके कमेंट्स रीड किए। सो वीडियो यहीं तक थी, वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बाय।